कैसे प्लेयर चलते हैं भाई। कल के मैच में जो मैंने बताया काफी कुछ हुआ। यूसुफ को मैंने बोला था भाई आपके लिए ड्रीम टीम का प्लेयर निकलेगा, देखा आपने क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस करी। तो यही चीजें होती है। इमाद वसीम को देखो, तो जो चीज भाई आप लोग ध्यान से सुनते हो उनमें आपका जो सुनता भाई उनका फायदा होता है। आज के मैच में भी पीएसएल का जो आज मैच खेलाएगा यानी सेकंड एलिमिनेटर ये बोलो सेमीफाइनल, जो हारेगा वो बाहर जो जीता वो अंदर। पेशावर जलमी और आपका इस्लामाबाद, दोनों टीम्स की क्या प्रेडिक्शन रहने वाली है ध्यान से सुन लेना भाई। अगर आप ग्रैंड लीग टारगेट कर रहे हो ना तो ये 10 से 15 मिनट की वीडियो कोई बहुत बड़ी वीडियो नहीं है। अगर इस वीडियो में से चीजें आपने निकाल ली तो इस बोर्ड पर भाई ड्रीम टीम छुपी हुई है। बस आपको चीजों को समझना है। आज भी बड़े से बड़े प्लेयर फ्लॉप जा सकते हैं और छोटे से छोटे प्लेयर आपके कौन से निकल के आएंगे वो भी आपको बताऊंगा। और किस प्लेयर पे कब रिस्क लेना है, इमाद हुसैन भाई आज भी क्या फिर से लेगा विकेट, ए सलमान जबरदस्त चॉइस है, आप आपको बताऊंगा एक एक करके सारी चीजें। तो ग्रैंडिक टारगेट करो तो आपसे रिक्वेस्ट एक है, बस वीडियो को पूरा एंड तक देखना बस। और जो भी भाई लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि इस तरह के वीडियोस और इस तरह के आइडियाज आपको मिलते रहें ग्रैंडिक के लिए, जिससे आपका कहीं ना कहीं फायदा हो। आने वाला आईपीएल है तो वहां आपको जरूर फायदा मिलने वाला है, ठीक है। पेशावर जलमी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड का एलिमिनेटर टू जो खेला जाएगा नेशनल स्टेडियम कराची पे, फाइनल भी यहीं पे खेला जाने वाला है, ठीक है। अभी मैंने लास्ट मैच इस डेटा में ऐड नहीं किया, ठीक है। 65 मैच यहाँ पर टोटल हुए जो अब तक का रिकॉर्ड है, जिनमें से 26 बैट फर्स्ट और 39 बैट सेकंड जीती है। बैट सेकंड में कहीं ना कहीं एडवांटेज है, ये सारे आपको बताने वाले हैं। स्कोरिंग पैटर्न देख लो थोड़ा सा, 150 तक 13 बार गया हुआ है, 170 तक 16 बार, 190 तक 17 बार गया हुआ है, 190 प्लस भी 19 बार गया हुआ है और 173 का एक एवरेज स्कोर निकल के आ रहा है इस सीजन में। थोड़ा सा कम है, 170 के आसपास का इस सीजन में निकल गया, अदरवाइज यहाँ पर 180-90 के आसपास का, 190 के आसपास के जो है एवरेज स्कोर निकल के आता है। अब लास्ट मैच में देखो, लास्ट मैच में 10 विकेट यहाँ सॉरी लास्ट के 10 मैचेस में 56 विकेट मिले पेसर्स को, 48 विकेट स्पिनर्स को, गेम में दोनों है। उसके बाद लास्ट मैच जो कल ही हुआ है उसमें देखो 8 यहाँ पर पेसर्स को मिले, 7 यहाँ पर स्पिनर्स को मिले, यानी दोनों का रोल बराबर रहा ज्यादातर। अब इस मैच में किसका कैसा रोल रहने वाला वो भी आपको बताऊंगा पूरा डिटेल में भाई। जितना भी मैटर आपको ग्रैंडिक बनाने के लिए चाहिए ना वो सब कुछ आपको यहां से मिलने वाला है। बस लगा दो फोन सामने, पूरी वीडियो देखते रहना। हेड टू हेड की बात करें भाई, दोनों टीम्स आज के मैच के लिए सॉरी टोटल जो मैचेस में टोटल में से 12 यहां पे पेशावर जर्मी वाले जीते, 10 यहां पे इस्लामाबाद वाले जीते और लास्ट के 10 मैचेस में दोनों 5-5 जीत के आ रहे हैं। और अपनी अपनी टीम के लिए लास्ट मैच पेशावर जर्मी वाले अपने 5 में से 3 हार के आ रहे हैं, सॉरी 3 जीत के आ रहे हैं और इस्लामाबाद वाले 3 अपने 5 में से 4 जीत के आ रहे हैं भाई। इस मैच में ना मुझे इन पर डाउट है, पेशावर जलमी पे मुझे डाउट है, इनके हारने के चांसेस मुझे थोड़ा सा ज्यादा लग रहे हैं। उसका रीजन क्या है, इस्लामाबाद के भाई प्लेयर सारे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बैटिंग लाइनअप से भी बॉलिंग से भी, और आज तो मार्टिन गुप्टिल भी आ गया और आज कॉलिंग मुन्नो आ गया तो भाई उसे जरूर रखना, पहले आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो चेंजेस आपको आज भी दिखने के लिए मिलने वाले हैं, बाकी देखते हैं क्या क्या होता है। अब देखो सबसे पहले विकेट कीपर सेक्शन, चारों सेक्शन कंप्लीट करूंगा भाई, स्किप मत करना किसी को भी। यहां से आपको फाइनली पता चलता है कौन सा प्लेयर कब रखना बैट फर्स्ट में बैट सेकंड में। प्रेडिक्शन पूरा कमाल की रहने वाली है, बस आपको जरूरत है तो रिस्क लेने की। यहां से 70-80% मेहनत हमारी है भाई, केवल 20-30% आप रिस्क लेके अपने प्लेयर चुन लो, आपकी टीम जबरदस्त बन जाएगी। बस आप लोग इतना ही नहीं करते हो, वीडियो पूरा नहीं देखते बस और कुछ नहीं, ठीक है। मार्कस हैरिस साथ में आपका हसीबुल्ला, दो प्लेयर विकेट कीपर सेक्शन से। यहां से आपका आ गया आजम खान, आजम खान भाई अच्छे टच में है, बीच में आके स्कोर कर जाता है, मे भी आज के मैच में भी कुछ कर जाए। ध्यान रखना 10 टीम लगा रहे हो, 50% टीम्स में ड्रॉप करके चलना और 50% टीम में लेके चलना, पर जितने रन आउट स्टंपिंग कल करे ना इतने उतनी में भी आज ना हो, ठीक है। अगर ये पेशावर वाले अगर पहले बैट भी करेंगे ना, अगर उनकी दुर्गति भी हुई ना, तो ये मान के चलो, अगर मान के चलो 160 रन बना पाते, इससे ज्यादा नहीं बना पाते, तो 160 में भी मैक्सिमम 4 से 5 विकेट देंगे, उससे ज्यादा विकेट देने वाले नहीं है। पर जहां तक मुझे लगता है आज थोड़ा सा खेसा था नहीं करेंगे क्योंकि भाई सेमीफाइनल है, ठीक है। तो यहां पे आजम खान थोड़ा सा ड्रॉप करके चलना रिस्क, मतलब 50% टीसी बैट सेकंड में तो ड्रॉप करके जरूर चलना, बैट फर्स्ट में चाहो तो ट्राई करना। यहां से बात करें मार्कस हैरिस भाई आपके लिए एक अच्छा प्लेयर बन सकता है इस मैच में फिर से, क्योंकि भाई इनका टॉप ऑर्डर जो है ना ओपनिंग पारी है वो थोड़ा कम ही उखड़ रही है जल्दी, केवल एम मार्कस हैरिस कह रहा मोहम्मद हैरिस, ये थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म चला था बिल्कुल ही, अब थोड़ा सा ठीक है, रिदम में आ रहा धीरे धीरे, आज के मैच के लिए इंपॉर्टेंट है, बड़ा प्लेयर है तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आजम खान भाई ध्यान में रख, इसका ये भी ये चीज याद रखना, इनका टॉप ऑर्डर कई बार बिल्कुल ध्वस्त जाता है, कुछ टीम्स अगर ऐसी बनाओगे जिसमें टॉप ऑर्डर बिल्कुल खत्म कर रहे हो तो वहां पर आजम खान को जरूर रखना, चाहे टीम बैट फर्स्ट करे या सेकंड, क्योंकि बीच में आके सॉरी 30-35-40 रन का स्कोर करके चला जाएगा बड़े प्यार से। अब आ जाओ हसीबुल्ला भाई, ये तो बिल्कुल परफॉर्म कर ही नहीं रहा है, उस ग्रैंडी की टीम में जहां पर हैरिस को ड्रॉप कर रहे हो वहां पर आप हसीबुल्ला को ट्राई करना,
और वरना सबसे ज्यादा स्मॉल लीग वाले बहुत कम लेंगे एम हैरिस को, ट्राई जरूर करना स्मॉल लीग में। अगर ये पहले बैटिंग करके इस्लामाबाद तो ये मान के चलो क्या नाम आपके लिए दो प्लेयर निकल के आते हैं एम हैरिस और साथ में आपका आजम खान स्मॉल लीग के लिए, ये ट्रिक जरूर याद रखना। अब आ जाओ भैया बैटिंग सेक्शन से कि यहां से कौन सा प्लेयर कैसे इंपॉर्टेंट रहेगा। और भाई जो भी अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, और बिल्कुल फ्री आता है एक बटन होता है लाइक का, वो भी फ्री है, सब्सक्राइब का भी फ्री है, तो लाइक भाई कर दिया करो। 4 से 5 घंटे की मेहनत होती है, बिल्कुल कोई 5 मिनट वीडियो तैयार नहीं होती है। बाबर आजम भाई बिल्कुल फिक्स रखना, आज तक किसी भी हेलो ड्रॉप करना नहीं है, चाहे कोई भी टीम लगाओ। साथ में ऐसा टीके से भाई आप एक ट्रम्प कार्ड के तौर पर यूज कर सकते हो, यानी आप एक रोटेशनल प्लेयर के तौर पर। रमन पवल को भी सजेस्ट थोड़ा कम ही करूंगा, बट ये है आप कुछ टीम्स में इसको भी रोटेशनल बना सकते हैं, यानी कुछ टीम में टीके से और जो टीम में टीके से नहीं देख रहे हो वहां पर रमन पवल, इस तरह का आप रोटेशन कर सकते हो। यहां से बात करें एलेक्स हेल्स आज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ये मान के चलो आपके लिए क्या नाम है ट्रम्प कार्ड का रोल अदा करेगा, क्योंकि परसेंटेज बहुत कम है अभी भी। कॉलिंग मुन्नो आते हैं अगर एलेक्स से बाहर होते हैं, कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है। मार्टिन गुप्टिल भाई रिसेंट में कुछ सीरीज में कुछ फॉर्म में कुछ चल नहीं रहा था, ठीक है, कल अचानक आया 50+ करके चला गया, हो सकता है आज के मैच में फ्लॉप जाए, थोड़ा सा रिस्क लेके जरूर चलना, क्योंकि इनके पास सामने है कौन लिपुड स्टार्टिंग में और साथ में आपका एहसान, इसका रिकॉर्ड अच्छा है सामने, ठीक है। बाकी हैदर अली को बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा, आप ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो, आपकी चॉइस है। यानी यहां से मार्टिन गुप्टिल साथ में आपका यहां से क्या नाम है रमन पवल, ये दोनों फुल रिस्की रहने वाले हैं, ग्रैंडी वाले थोड़ा सा ध्यान से रखना। अब आ जाओ भैया ऑलराउंडर सेक्शन, ऑलराउंडर में कौन सा कैसे इंपॉर्टेंट रहेगा। उससे पहले भाई अभी भी आप लोग अपना हेड टू हेड 3 मेंबर का इन्वेस्टमेंट अदर एप्लीकेशन पर कर रहे हो तो भाई आउटसाइड इस आईपीएल में कुछ अच्छा कमाना है तो आ जाओ विजन लोन पे, जबरदस्त ऐप है, आपका लिंक नीचे डिस्कशन मिलेगा, साथ में रेफरल कोड चंदू123 यूज करोगे 500 रुपीज का वेलकम बोनस मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भाई एंट्री फीस कम है प्लस कॉम्पिटिशन लो है। कल भी हम हारे नहीं, जो हमने टेलीग्राम टीम जो आपको टेलीग्राम पे दी थी, हारे नहीं, रैंकलेस हो गई, एक पॉइंट वो क्या नाम आपका यू तारीख जो था उस्मान तारीख बाबू जी, एक रन भी मार जाता ना मैं जीत जाता, पर कोई बात नहीं, रैंक क्लैश हो गई, होता रहता है मैचों में से, ठीक है। तो सैम अयूब भाई ये आज के लिए फुल रिस्की हो सकता है, बॉलिंग में से अगर पिट गया ना तो इसको बैटिंग से उम्मीद थोड़ा कम ही रखना, क्योंकि इसका ना इस ग्राउंड पे और हेड टू हेड में मामला बहुत ज्यादा खराब है, तो इसीलिए ग्रैंडलीग वाले जो हो वो थोड़ा सा ध्यान से 50% टीम में ड्रॉप और 50% टीम में लेके चलना। अगर टीम पहले बैटिंग करेगी ना तो कुछ टीम से तो भाई ड्रॉप करके रखना, क्योंकि बैट सेकंड में भी इतना ज्यादा ना मिले इसको मौका, क्योंकि और भी बॉलर्स हैं, 2 यहां से 3 यहां से 5, 4 ओवर करेगा नहीं करेगा, कोई शॉर्ट शॉट नहीं करता, हालांकि जैसे स्पिन को मदद मिल रही है भाई, बॉलिंग 4 ओवर पूरे करेगा, पर विकेट की उम्मीद थोड़ा कम ही करना मे भी नाले, और वैसे भी इस्लामाबाद भाई फंसती है स्पिनर्स पे, तो मे भी कहीं ना कहीं काम करे या फिर बिल्कुल फ्लॉप जाए, यानी 50% टीम रखना है, 50% टीम में नहीं रखना, और जहां रखोगे 50% टीम में उनमें से एक दो टीम में कैप्टन बना के भी जरूर रखना, ठीक है। आमिर जमाल है मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट पिक रहने वाला, बाकी पॉल वॉल्टर को सजेस्ट थोड़ा कम ही करूंगा, अगर टीम पहले बैटिंग करते तो रख सकते हो, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में आके कुछ रन तेजी से कर सकता जैसा ग्राउंड है। यहां से बात करें शादाब खान, इसका भी भाई रिकॉर्ड हेड टू हेड में कुछ खास नहीं है, इस पर भी थोड़ा सा आज के मैच पर रिस्क लेके जरूर चलना, ठीक है। बाकी यहाँ पर ए सलमान, इसका भी रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है हेड टू हेड में, इस पर भी थोड़ा सा रिस्क लेके जरूर चलना। फहीम अशरफ आज फिर से आपका कामयाब प्लेयर बन सकता है, इस चीज को ध्यान रखना, कल भाई बॉलिंग नहीं मिली यार, इतना लेट रहा है, एक ही विकेट लेगा, अगर एक विकेट और ले जाता तो फिर काम बन जाता, तो वही होता है लाए नहीं। इमाद वसीम भाई आज के मैच में थोड़ा सा ना के बराबर सजेस्ट करूंगा, उसका रीजन पता क्या है, ये सोच रहे हैं मतलब सभी सोच रहे हैं क्या ये क्या सारी टीम से ये सोच रहे हैं स्पिन को अच्छी मदद मिली है, स्टार्टिंग में लाओ, स्टार्टिंग में लाएंगे, स्टार्टिंग में कौन होगा बाबर आजम सैम अयूब उसके बाद एम हैरिस, तो ये लोग थोड़ा सा स्पिन को सही खेल लेते हैं, तो मुझे लगता नहीं है इमाद वसीम को आज फिर से इतनी विकेट मिलने वाली है, आपको लगता है तो ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इसकी जगह पे आप यहां से क्या नाम है सदाब खान मेरे हिसाब से ज्यादा बेस्ट रहेगा इसकी जगह पे, क्या नाम है इमाद वसीम की जगह पे, हो सकता है सलमान एक आधा ओवर कर जाए, पर इमाद वसीम मुझे लगता है 2-3 ओवर ही करेगा, से ज्यादा करेगा भी, ठीक है। अब आ जाओ बॉलिंग सेक्शन, बॉलिंग से लिए आपके लिए कौन सा कैसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, यहाँ पर भैया ड्रीम इलेवन तो मौज मारो, जो जिनको ड्रीम इलेवन में एक दो प्लेयर ले सकते, मगर जहां 3 प्लेयर लेने पड़ेंगे वो वाले थोड़ा सा दिक्कत वाले। लिक्विड भाई इसका तो सरकारी कोटा है, 1 विकेट का सरकारी कोटा इसको मिलना ही मिलना, 2 मिल जाए तो वो बोनस है, ठीक है। एस इरशाद का भाई रिकॉर्ड थोड़ा सा अच्छा है, दोनों टीम आपस में खेलती हैं, तो इरशाद का रिकॉर्ड जबरदस्त है, आप थोड़ा सा इसको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। बाकी भाई इस मैच में इनकी तरफ से मुमताज एक ऐसा प्लेयर है, मुमताज और सैम अयूब इन दोनों पर सारी जिम्मेदारी टिकी होगी स्पिन की, और मुमताज आपको फिर से 1-2 विकेट ले जाता हुआ दिखेगा इस मैच में जरूर, क्योंकि इस्लामाबाद वाले स्पेशली दे देते हैं मिडल ऑर्डर, कल भी आपने देखा होगा लास्ट के 3 ओवर में 3 या 4 ओवर में ऑल आउट ही हो गई टीम,
छह से सात विकेट गवाए लास्ट के चार ओवर में। तो वही चीजें होती है यहाँ पे, इनका चलता रहता। तो ये लोग यानी यहाँ से आपका इरशाद हो गया, लेकुट हो गया, मुमताज हो गया, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करेंगे आज के मैच का। अगर यहाँ पे पेशावर जलमी को जिता रहे हो तो, हरा रहे तो अलग बात है। यहां से बात करें एकमात्र प्लेयर नसीम शाह, इसके अलावा कोई नहीं। अगर यहाँ पे क्या नाम आपका दूसरा इनका जो प्लेयर है टाइमल मिल्स, अगर वो आ जाता है तो उसके बारे में भी गहराई से थोड़ा सोचना होगा, क्योंकि इससे अच्छा आपको टाइमल मिल्स बन सकता है। ठीक है, तो ये था भैया टोटल इस मैच के लिए जितने चीजें होनी चाहिए, इतना बैट फर्स्ट बैट सेकंड, वो सारी चीजें मैं एक एक करके बताया। अगर कुछ मिस हुआ तो भाई बताना कमेंट करके, नहीं तो भाई फ्री वाला लाइक जरूर कर देना, कोई पैसा नहीं लगता भाई लाइक का, बस थोड़ा सा हमारी हमारी मेहनत दिखती है तो अच्छा लगता है कुछ। छह मात्र फिक्स प्लेयर है इस मैच के लिए, मात्र छह प्लेयर, बाकी आपके लिए ट्रम्प कार्ड है वो आपको बताने वाला हूँ। छह प्लेयर में से जिनमें आता बाबर खान, सॉरी बाबर आजम नंबर वन, उसके बाद यहाँ पर आमिर जमल, उसके बाद यहाँ पर ल्यूक वुड, ये तीन प्लेयर निकल के आते हैं पेशावर जलमी की तरफ से। मुमताज को चाहो तो यहाँ पर ऐड कर सकते हो, चौथा प्लेयर फिक्स लिस्ट में मुमताज को डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर सादफ खान जो फिक्स रहेगा मैक्सिमम टीम में, फहीम अशरफ फिक्स रहेगा और नसीम शाह फिक्स रहेगा अगर यहाँ पर टाइमल मिल्स नहीं आते हैं तो। अगर आ जाते हैं तो फिर यहाँ पर टाइमल मिल्स मतलब 50% टीम में टाइमल, 50% टीम में नसीम शाह, ऐसा का कॉम्बिनेशन रहेगा टोटल दोनों टीम से फिक्स प्लेयर का। ठीक है, अब देखो भैया ट्रम्प कार्ड, ये वो वाले ट्रम्प कार्ड है जिनको रखना है, और ये सभी देते हैं कि भाई इनको रख लो ड्रीम टीम के प्लेयर हैं अच्छा कर देंगे, मगर हम वो भी देते हैं जो फ्लॉप होने के चांसेस जिनके हाई होते हैं, वो भी आपके लिए ट्रम्प कार्ड का ही काम करते हैं। फ्लॉप हो गए आपकी टीम में नहीं रहेंगे तो आपका काम हो गया ना। ठीक है, सबसे पहले जो लेने हैं टीकेसी भाई, ये लास्ट मैच में अच्छे टच में दिखा था, आज आपको फिर से अच्छी परफॉर्मेंस करता हुआ दिख सकता है, यानी ज्यादा नहीं कम से कम मिडिल ऑर्डर में एक ड्रीम टीम का प्लेयर बनता हुआ दिख सकता है, हालांकि वहां का प्लेयर नहीं है, टॉप ऑर्डर का प्लेयर है जहां पर ला रहे हैं इसको। ठीक है, दूसरा आपका एमएम बोले तो मुमताज, जैसे मैंने आपको बताया। यहां से बात करें क्या नाम है इस्लामाबाद से, तो एलेक्स हेल्स अगर कॉलिंग मुन्ना आते तो फिक्स रहेंगे। उसके बाद यहां से बात करें एच एस यानी एच शाह, लास्ट मैच में पहले मैच पहले बॉल में जरूर पिटा था पहले ओवर, दूसरे ओवर के विकेट लिया। अब ये वो प्लेयर है जिनको भाई बहुत कम ट्राई करना है, बहुत कम क्या मतलब ड्रॉप करने का रिस्क इन पर जरूर उठाना है, इस चीज को ध्यान में रखना, क्योंकि यहां पे ना आपको मतलब ये जो हाई परसेंटेज वाले प्लेयर थे ना आपको परफॉर्म करके मतलब सारे दे देंगे तो फिर यार ओवरों का क्या काम रह जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो फ्लॉप होंगे होंगे, ये बात आप भी अच्छी तरह जानते हो। सबसे पहले यहां से बात करें एस ए बोले तो आपका सैम अयूब, जैसे मैंने आप बताया रिस्क लेके जरूर चलना। दूसरा आपका आरपी रमन पवल, अगर पहले बैटिंग करेगी ना टीम तो रिस्क जरूर लेना। यहां से बात करें इस्लामाबाद से तो आजम खान, जैसे इसके बारे में पहले बताया मैंने आपको, रिस्क लेके जरूर चलना। ए एस बोले तो आपका सलमान साहब, सलमान जी, इन पे भी रिस्क लेके जरूर चलना आज के मैच में, क्योंकि ये भी आपको कहीं ना कहीं धोखा दे सकते हैं। चलिए, तो ये हुई भैया फाइनल पूरी प्रेडिक्शन, अब रह गए केवल कैप्टन और वाइस कैप्टन, कैप्टन और वाइस कैप्टन कैसे यूज करने हैं। देखो विकेट कीपर सेक्शन में से किसी को भी सजेस्ट नहीं करूंगा, आप चाहो तो बना सकते हो, बाकी यहां से बाबर आजम भैया रहेगा रहेगा चॉइस, चाहे बैट फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, कैप्टन वाइस कैप्टन की दावेदारी पूरी रहेगी। यहां से बात करें किसी को भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि कैप्टन जाओ या वाइस कैप्टन जाओ, क्योंकि कोई प्लेयर ऐसा नहीं है जो लंबी पारी खेल सकता आज के मैच में। ठीक है, अब यहां जाओ सैम अयूब, फिर से आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन दावेदार रहेगा रहेगा, जहां रखोगे तो कैप्टन जरूर बनाना। यहां से बात करें सादाफ खान, जैसे मैंने बताया पिछले तीन मैच से तो एक भी विकेट नहीं मिली बंदे को, तीन मैच से एक भी विकेट नहीं मिली, आज अगर इमाद वसीम को विकेट नहीं मिली बॉलिंग करने में तो वहां पे इसको बेनिफिट मिल सकता है, बस यही रीजन है। ठीक है, बाकी ए सलमान को सजेस्ट नहीं करूंगा, फहीम अशरफ को चाहो तो एज ए कैप्टन जा सकते हो, अगर टीम पहले बॉलिंग करती है तो मे बी दो तीन तीन एक विकेट निकाल के ले जाए। ठीक है, यहां से बात करें ल्यूक वुड, सलमान इरशाद, मुमताज, नसीम शाह, ऐसा ओबर्ट मकॉय, किसी को भी सजेस्ट नहीं करूंगा, कोई भी ऐसा मेरे हिसाब से नहीं है रिकॉर्ड्स के हिसाब से स्टैट्स के हिसाब से कुछ तीन चार एक विकेट लेके चला जाए। ठीक है, ल्यूक वुड प्लेयर अच्छा जरूर है मगर इसका यहाँ पीएसएल में सरकारी कोटा एक ही विकेट का है, ज्यादा मिल नहीं है, तो ओवरऑल आपके पास यहीं से निकल के आते हैं और यहां से यानी बैटिंग सेक्शन से भी मात्र एक प्लेयर, यहां से बात करें दो तीन प्लेयर यहां से निकल, अगर आप ज्यादा टीम्स यानी पांच से छह टीम भी बनाओगे ना तो आप सारे कैप्टन वाइस कैप्टन कवर कर लोगे, तो जो दस टीम यानी जो मल्टीपल ज्यादा टीम से जाते हो वो थोड़ा सा रिपीट कर लो कैप्टन वाइस कैप्टन में भी आपकी कोई टीम अच्छी खासी रैंक कर जाए। तो ये था भैया टोटल इस मैच के लिए प्रेडिक्शन, भाई तहे दिल से वीडियो बनाइए, कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, फ्री है कोई पैसा नहीं है, बाकी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर देना, वो भी फ्री है उसका भी कोई पैसा नहीं है। ठीक है, बाकी टेलीग्राम उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाएगा, वहां से डायरेक्टली चैनल को ज्वाइन जरूर करना, और आने वाले आईपीएल में आपको जो ग्रैंडली की टीम्स मिलने वाली, हमारा दूसरा चैनल
पार्थ फैंटेसी ज्वाइन नहीं किया तो वो भी कर लो, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। हमारे चैनल पर जाओगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा, क्योंकि टीम्स आपको काफी ज्यादा मिलने वाली है यहाँ पे, यानी आने वाला आईपीएल में आपके लिए बहुत कुछ फायदा होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर क्या नाम आपको क्या बोलते उसको यार व्हाट्सएप चैनल भी जो जिसके पास टाइम, हालांकि सबके पास होगा, जिसके पास नहीं है वो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। बाकी विजन डाउनलोड नहीं किया तो कर रहे ना, उसका लिंक भी आपको मिलेगा, साथ में रेफरल कोड चंदोड़ोतरी जरूर करना, 500 रुपीज का वेलकम बोनस भी आपको मिल जाएगा। तो चलो दोस्तों, वीडियो में इतना ही, मिलते हैं टॉस के बाद, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।